देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में पांचों सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। वहीं कांग्रेस ने बढ़त बनाते हुए आम आदमी पार्टी की एक सीट पर अपना कब्जा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली शालीमार बाग वार्ड 62 सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाई। यह सीट सबसे ज्यादा वोट से जीत हासिल करने जा रही थी। यह सीट काफी समय से भारतीय जनता पार्टी की झोली में थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री सांसद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदर्श गुप्ता भी यहां के मतदाताओं के अंदर कोई फर्क नहीं डाल पाए। आम आदमी पार्टी की सुनीता मिश्रा को जीत दिलाकर बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली सीट भी भारतीय जनता पार्टी से छीन ली। शालीमार बाग से विधायक वंदना कुमारी का कहना यह है कि यह आम आदमी पार्टी की है। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता मिश्रा का मानना यह है कि यह जीत मेरी जीत नहीं है, गरीबों की जीत है, सच्चाई की जीत है और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता की जीत है। मैडम, ये जीत किसको समर्पित करती है? बहुत बहुत बधाई हो आपको। और क्या कहेंगे आप, कैसे काम करेंगे? ये जीत हमारी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की है और आम आदमी की जीत है। कैसे काम करेंगे इलाके में? कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आप प्रमुखता से रखेंगे? साफ सफाई हमारा मुद्दा पहला है और एमसीटी के जो पार्कों में धूल उड़ रही है उनमें हम हरियाली लाएंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे। और हरियाली जो पार्क की होती है, पार्क मतलब हरियाली, तो हरियाली। एक साल का इलेक्शन है तो इसमें मुख्य आपकी क्या क्या रहेगी प्राथमिकता? यही काम, बस काम करना है, सबके साथ मिलजुल के हमें काम करना है। पिछले एक महीने से चुनाव प्रक्रिया चल रही थी 62 एंड शालीमार बाग नॉर्थ वार्ड के लिए। इसमें टोटल 3 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कंटेस्ट किया है इलेक्शन। तीनों ही 2 नेशनल रिकग्नाइज पार्टी के थे, एक स्टेट पार्टी के थे, आम आदमी पार्टी स्टेट रिकग्नाइज पार्टी। आज इसका वोटिंग की काउंटिंग हुई है। काउंटिंग के बाद में जो रिजल्ट आए हैं उसमें से टोटल 19,426 वोट थे, जिसमें से जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है जो इस इलेक्शन में विजय हुई है सुनीता मिश्रा, उसको 9,764 वोट मिले हैं। इसके अलावा जो सेकंड रनर अप रही हैं सुरभि जाजू, उसको टोटल 7,059 वोट मिले हैं। कांग्रेस की ममता को 2,416 वोट मिले हैं। तो जो सुनीता मिश्रा आम आदमी पार्टी की, वो 2,705 वोटों से काउंसलर के लिए नियुक्त हुई। ये पूरा एक महीने का जो थी प्रक्रिया, ये बड़ी शांतिपूर्ण रही। आज की काउंटिंग भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कितना टोटल परसेंट कितना है इसमें वोटिंग का? वोटिंग का 43.2% वोट पोल्ड हुए हैं टोटल 19,426 वोट्स।